हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। रात से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। कभी कभी सोच समझ के ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, कभी कभी बिना सोचे समझे ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ कि चलो अभी से ही करते हैं ऐसा करके। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, मैं किचन में खाना बना रही थी और आज था आर्द्रा नक्षत्र का लास्ट डे, मतलब कि 6 जुलाई आई थिंक 5 जुलाई को आर्द्रा नक्षत्र का लास्ट था। वैसे तो 6 तक बोलते हैं लेकिन मैं 5 को मतलब बनाई थी फिर से खीर पूड़ी सब्जी। ये जो सब्जी है आलू झोल बना रही हूँ। यहाँ पे ना बंगाल में बहुत ही झोल झोल होता है इसलिए मैं झोल बोल रही हूँ। आलू झोल और खीर, खीर 2 दिन से बहुत ज़्यादा टेस्टी बन रहा है। 2 दिन कहने का मतलब 2 दिन आद्रा मनाई हूँ, दोनों दिन बहुत टेस्टी खीर बना। मतलब खीर का टेस्ट पता नहीं, पहले बहुत दिन से मैं नेट पे देख के, सॉरी यूट्यूब पे देख के, लगभग 3-4 साल से मैं यूट्यूब पे देख के खीर बनाती थी। क्योंकि पहले मुझे ज़्यादा से पहले मम्मी लोग बनाती है ना खीर ये सब, तो मुझे नहीं आता था बनाने। जब बनाना पड़ा तो यूट्यूब पे देखी और यूट्यूब पे जो बनाने का तरीका था ईजी तरीका मैं देखी, तो वो कुकर वाला था। कुकर में ही चावल, दूध और पानी डाल के सीटी लगाना, फिर से बॉईल किया हुआ दूध उसमें डालना और चीनी वगैरह डालना इस तरह से, और वो भी सबको बहुत पसंद आता था। बट उससे 19-20 बोलूँ तो 20 ये अच्छा लगता है। और ये वाला तरीका मम्मी लोग का तरीका है जो पतीले में बनाती है, आराम से दूध गर्म हो गया उसमें चावल लगा दिया और तब तक बनाया जब तक कि अच्छे से, मतलब कि खीर बन ना जाए तब तक उसको कम करके पकाते रहते हैं। अच्छा वो तो हो गया नक्षत्र का। आगे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ नेक्स्ट डे ये लग रहा है जियो फाइबर वाईफाई, जो कि काफ़ी दिनों बाद फिर से लग रहा है। ये वहाँ पे लगा था जब हम लोग बंगाल आए थे और दुर्गापुर में रह रहे थे। पानागढ़ में आए हुए हो गया, वैसे तो मार्च में ही ये आ गए थे लेकिन मैं आई हूँ अप्रैल में, और मार्च में ही आई थी ना, लास्ट मार्च, मतलब जो भी हो, बट अभी तक नहीं लगा था, बहुत दिन हो गया था। और आप लोगों को तो पता ही है कि अभी इंटरनेट का ज़माना है, छोटे छोटे बच्चे भी जो घर में होते हैं ना जाते हुए भी वो लोग भी देखते ही हैं, जो भी हो मोबाइल देखते ही हैं। और हम जैसे जो यूट्यूब पे मतलब काम भी कर रहा, जैसे अपलोड करने में जो है वो ज़्यादा नेट जाता है, और फिर क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम पर तो आप 1 घंटे अगर देख लो, आधे घंटे रील्स देख लो तो उसमें भी बहुत ज़्यादा नेट चला जाता है। तो नेट एक मेरा और दो दो तीन तीन जगह चलता था, टैब में चलता था, बाबू मोबाइल देख लेता था, मुझे देखना पड़ता था, तो काम थोड़ा सा अच्छे से नहीं हो पा रहा था, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत तो हो रहा था। साथ ही साथ टीवी का भी रिचार्ज करना ही पड़ता था, टीवी भी नेट से ही देखते थे, तो सब मिला जुला के ना हस्बैंड सोच रहे थे कि लगा ही लेते हैं सही रहेगा, और फिर उन्होंने ये डिसीजन ले ही लिया, आखिरकार लग गया जियो फाइबर है। इसमें बहुत सारे जो है वो चीज़ें हैं, जैसे कि 850 चैनल है, हर चीज़ इसमें देख सकते हैं। जैसे कि पहले देखते थे G5 पे वैसे भी देख सकते हैं, और नॉर्मल TV जैसे लाइव चलता है, जो नॉर्मल TV चलता है 850 चैनल वैसे भी देख सकते हैं, मतलब हर तरीके से देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। साथ ही साथ जो है वो नेट तो फ्री हो ही गया, सब बहुत अब अच्छा है। तो ये कल लग गया है फाइनली। पता है रूम कहीं भी लेना, चेंज करने में क्या होता है ना कि आप चेंज तो कर लेते हो लेकिन चेंज करने में जो दिक्कत आता है वो ये सब भी दिक्कत होता है। आप कहीं भी जाते हैं तो वाईफाई का कनेक्शन हटाना फिर तुरंत नहीं हो पाता है, आदमी जॉब कर रहा होता है, उसको ड्यूटी भी जाना होता है, और 2-4 दिन तो आदमी को शिफ्ट करने में ही लग जाता है। फिर मतलब कैसे क्या करें, हर चीज़ के लिए आदमी को टाइम होना चाहिए कि हाँ इसको भी फ़ोन करेंगे, इसको बुलाएंगे लगवाने के लिए, थोड़ा सा होता है ना। तो सब चीज़ करते करते ना 1 महीना आपको लग ही जाता है, और मेरा 1 महीना हो गया यहाँ। 1-2 मई को हम लोग, सॉरी जून को आए थे ना, मई को आए थे, हाँ 1-2 मई को, अरे याद भी नहीं आ रहा है, जून में आए थे ना, 30 मई को बाबू का बर्थडे, वहाँ पे उसी रूम से गए थे हम लोग मनाने। तो 1-2 जून को आए थे, 3 जून से मतलब कंटिन्यू खाना वाना सब बना था, और अभी जुलाई में 4-5 जुलाई को लगा है।
तो फाइनली लग गया, बहुत बड़ा काम था। अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि कमी है इस घर में, सब कुछ हो गया, यही एक चीज़ की कमी था तो वो भी पूरा हो गया है फाइनली। अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि किसी को भी आप समझ सकते हो, अगर नेट नहीं है तो मोबाइल एक डब्बा है, और नेट अच्छा खासा नहीं चल रहा है तो और भी बेकार सा लगता है, रुक रुक के चलता है। तो वाईफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों जैसे लोग के लिए। तो कहते हैं, मतलब मेरी भाभी बोलती है, भाभी जो मेरी नई वाली आई है मतलब एक ही तो अभी आई है मेरे घर में, जो मेरी अपनी भाई की दुल्हनिया है, वो बोली थी एक बार कि घर में झोला होता है तो कर्जा होता है। और वैसे मुझे इतना पहले कुछ नहीं पता था, लेकिन मुझे भी अब ये सब चीज़ थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है। और बहुत सारे लोगों को मैंने ये चीज़ सुना है कि हाँ, घर में बरकत नहीं होता है, झोला अगर ज़्यादा रहता है लगा हुआ तो पैसों की जो है वो तंगी रहती है। जैसे पैसा आप कमा रहे हो, बहुत अच्छा खासा जॉब है आपका, लेकिन फिर भी पैसों की मतलब थोड़ा सा वो तंगी जैसा रहता है कि पैसा बच नहीं रहा, पैसा है नहीं, तो ये सब सुनने में आता है। बट अब देखो, हर चीज़ का लॉजिक तो अलग अलग है, बट झोला जो लगा हुआ रहता है वो तो अच्छा भी नहीं लगता है देखने में, तो शायद जल्दी से हटा लिया जाए इसलिए भी ऐसा ऐसा बात बोला जाता हो, क्योंकि पैसों से बढ़ के तो लोग, पैसों के ऊपर लोग आने नहीं देगा ना, जो पैसा में बरकत नहीं है तो नहीं भाई, जल्दी से हटा लेते हैं। तो वही बात मेरा भी है, जब मैं ये सुनी कि कर्जा होता है, पैसों में बरकत नहीं होता है, तंगी होता है, मुझे डर लग गया, भाई पैसा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है घर में। तो मैं फटाफट से झोला उतारने लगी हूँ, दोनों रूम, किचन, हॉल, हर जगह। अभी तो एक महीना पहले पेंटिंग ही हुआ था इस रूम में आने से पहले, तो एकदम जहाँ भी झोला लगता है ना वो एकदम चमक जाता है, मतलब पता चल जाता है, और हल्का हल्का है तो हल्का हल्का झोला उतारने में मुझे अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ता है, बहुत ज़्यादा मतलब कि मेहनत लगता है, लेकिन अगर हल्का हल्का है तो झाड़ू से ही उतर जाता है, एकदम साफ़ से उतर जाता है। प्लास्टर पेंट है बहुत अच्छा है, प्लास्टर पेंट मैं बोले प्लास्टिक पेंट है तो बहुत अच्छे से मतलब साफ़, वो एक होता है ना कि उसी में चिपक गया वैसा वाला भी नहीं, अच्छे से साफ़ हो गया, तो वो सब हो गया है। साथ ही साथ मैं यहाँ किचन में खाना भी बना रही हूँ, और नहाने से पहले ये सब काम मैं कर ली, झोला वोला वाला। और ये 2 दिन का ब्लॉग है, मैं 2 दिन से ब्लॉग नहीं डाल रही थी, और जैसा कि कुछ दिन पहले ही मैं बताई हूँ अभी इसी वीक में कि रुचि दीप ब्लॉग पे भी मैं वीडियो डालूंगी, 1-2 दिन बीच करके, वैसे तो 1 दिन बीच करके ही सोची हुई हूँ, लेकिन 1-2 दिन 3 दिन भी बीच हो जा रहा है। अब आप ही समझ सकते हो कि मैं भी एक इंसान हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ, पूरा घर में पूरा घर संभालना, साथ में मैं ये काम कर रही हूँ जिसमें ऐसा कोई प्रॉफिट भी नहीं है, तो थोड़ा बहुत डिले तो हो ही सकता है, क्योंकि इसको जो प्रायोरिटी है वो बाद में ही मैं दूंगी। फर्स्ट प्रायोरिटी तो आप सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा ज़रूरी है वो बच्चा ही होता है, और वो बहुत ज़्यादा उसको मतलब ऐसे हम लोग बोलते हैं बदमाश है, लेकिन कहा जाए तो सुपर एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है वो, हर चीज़ मतलब आप समझ ही सकते हो, आप लोगों के भी बच्चे होंगे, आप आजकल के सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो सब कुछ हो गया, फिर मैं नहा धोकर आ गई हूँ यहाँ पे पूजा करने। देख सकते हो कृष्णा कैसे करता है, मतलब कृष्णा को ही मैं बदनाम नहीं करूँगी, मेरे दोनों ही बच्चे वैसे ही है। अभी ये दोनों खेलते हैं बट उस खेल में भी मुझे परेशानी है। अभी ये मेरे आँख में उंगली कर दिया था इस टाइम पे, और वो बोल रहा है चंदन लगाने के लिए, मैं समझ नहीं पा रही थी, और वो इशारा भी कर रहा है लेकिन मैं उस पर देख नहीं रही हूँ। फिर वो बोली मम्मा कुछ बोला, फिर मैं समझ गई, तो फिर मैं लगाई, फिर वो भाग गया। तो आप देख सकते हो दोनों कैसे करता है, मैं एक पूजा ही कर रही हूँ तो वो कैसे वहाँ पे दोनों बच्चे बार बार आ रहे जा रहे हैं। यही ज़िंदगी है एक माँ की, हर माँ की। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। 12 बजने वाला है, बस 10 मिनट बचा हुआ है और मेरा सारा ही काम हो चुका है, पूजा पाठ भी हो ही गया। हाँ बेटा, फोन कर रहा है मीठी, क्या हुआ, क्या उल्टी हुआ? तो बस पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है, बस खाना खाना बाकी है और बहुत सारा काम भी बाकी है। आज बेडशीट चेंज करना है, मैंने दो दो या तीन तीन बेडशीट मंगवाया है, जिसमें 2 आ चुका है, एक अभी आने वाला है, और आने के बाद 2 फिर से ऑर्डर किए हूँ, क्योंकि जो आया है वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है, एक तो बहुत ज़्यादा पतला, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, हो सकता है उसको रिटर्न करूँगी, इसलिए मैंने फिर से। हाँ बेटा, हाँ 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 आ रहे आ रहे आ रहे, तो इसलिए क्या बोलते हैं फिर से ऑर्डर कर दी। और वैसे भी मुझे बेडशीट थोड़ा ये सब टाइप का प्रिंट अच्छा लगता है, मतलब ये कॉटन ही है,
इस सब टाइप का, या फिर मतलब ऐसा हो जिसपे अगर एक चींटी भी चले तो वो दिखे इस तरह। हाँ बेटा, चोटू लग गया बाबू, ठीक हो जाएगा। तो इस टाइप का होना चाहिए, मतलब बहुत डार्क कलर में थोड़ा सा डर लगता है। पहले ऐसा नहीं कुछ लगता था, बट अब लगता है। ऐसा नहीं है चींटी रहता है, कभी पेट पे चींटी नहीं रहता है, पर एक होता है ना, पता है जब दिल्ली में थी ना तो कई बार ऐसा होता था कि पेट पे चींटी आ जाता था दीवार से ऐसे करके। और उस टाइम में मेरा एक डार्क ब्लू में एक है बेडशीट जो कभी कभी मैं बिछाती हूँ, वो बिछाई थी और रेड रेड चींटी था, इतना दिख भी नहीं रहा था और बहुत दिख रहा था और लग रहा था और भी कहीं होगा। तो इस चक्कर में तब से ही मेरा मन बदल गया और तब से मेरा कुछ इस टाइप का बेडशीट पसंद आने लगा है तब से। तो वो जो दो है वो थोड़ा डार्क कलर में ही है, ब्लू कलर में है। लेने टाइम में पता था, मतलब ऐसा नहीं है कि बिना देखे ले ली, लेकिन पसंद आया था। अभी बहुत ज़्यादा पतला कपड़ा है, पता नहीं उसको रखेंगे या नहीं, 50-50 चांस है। अभी पहले देख लेते हैं और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। पहले खाना खा लेते हैं, थोड़ा सा अपना हुलिया बदलते हैं। बहुत ज़्यादा ऑयलिंग की हुई हूँ तो और भी ज़्यादा रोगी टाइप की लग रही हूँ, और थोड़ा सा सनस्क्रीन वगैरह लगा लूँगी तो थोड़ा फेस सही लगेगा। थोड़ा सा आईब्रो वगैरह ठीक कर लूँगी तो सही लगेगा, लिपस्टिक का तो खुद ही नहीं अच्छा लगता है। आ जाए इधर, तो बस चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। देखिए यहाँ पे, और अभी करना है मुझे बेडशीट चेंज करना है इसको। चलिए मिलूंगी थोड़ी देर के बाद। तो हमारा सब कुछ हो गया था, खाना पीना सब कुछ हो गया था, अब लेटने की बारी थी। और इस टाइम पे मुझे कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, भले 1 घंटे बाद कर लूँ, लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं है कि 1 घंटे बाद करूँ, वो लगा ही रहता है। तो मैं सोच रही थी लेटने का भी मन नहीं करता है ना, नहा धो के अगर सोचूँ कि बेडशीट चेंज करना है तो पहले चेंज कर लो तो सोने का एक मज़ा अलग है। तो फिर मैं थोड़ा सा आलस को दूर करते हुए अपना, देखो कितना भी आप मतलब खा पी लो तो कभी कभी मन नहीं करता है कुछ करने का, लेकिन अगर करने का सोचो तो फिर कर ही लेते हो, वही है। तो अभी दूध वाला भी आने वाला था तो मैं सोच रही थी थोड़ा बहुत इधर करूँ ताकि दूध वाला आ ही जाए और वो भी काम मेरा निपट जाए। जब दूध वाला आ जाता है, दूध बॉयल हो जाता है, उसके बाद मुझे कोई काम नहीं रहता है, बस बच्चों का पेट भरा हुआ होना चाहिए। थोड़ा डरा धमका कर मैं दोनों को सुला भी देती हूँ तो थोड़ा सो भी जाता है। कृष्णा का तो ठीक आदत है, वो सो जाता है, मतलब वो भी तब सोता है जब सुबह में नहीं सोया हुआ रहता तब, लेकिन अब ज़्यादातर तो सुबह में नहीं ही सोता है वो, अब एक ही बार सोता है धीरे धीरे करके, वो अब एक बार कर दिया, पहले तो 2 बार सोता था बट अब एक बार सोता है। या तो सुबह में सो जाता है या फिर दोपहर में, दोपहर में सोता है तो मुझे फ़ायदा रहता है कि मैं उसके साथ थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। ये बेडशीट भी चेंज की हूँ और इसके बाद सो जाऊँगी, थोड़ा सा आराम करूँगी। शाम में वीडियो एडिट कर रही हूँ मैं, ये दोपहर का क्लिप है। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए। और चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।